नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में। देश की बात करें तो आज देश भर में किसानों का मुद्दा आंदोलन गर्माता जा रहा है। देख सकते हैं देश भर में जगह जगह किसानों के जो मुद्दे हैं उसको लेकर आंदोलन हो रहा है, रास्ते पर लोग उतरे हैं। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में घाटकों पर कांग्रेस पार्टी के 131 के ब्लॉक अध्यक्ष हैं विदेश पाल, उनसे जानेंगे, अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, किसानों के जो मुद्दे हैं उसको लेकर रास्ते पर कांग्रेस पार्टी भी नजर आ रही है। देखिए, पहले तो मैं आपको एक इस मुद्दे के विषय में बताना चाहता हूं कि किसान एक अन्नदाता है। किसान अगर पैदावारी करेगा तो हर इंसान को रोटी मिलती है, लेकिन जहां पैदावारी नहीं होगी, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो किसानों के बारे में और मजदूरों के बारे में कभी उनको उन्होंने ना सोचा है और ना वो सोच रहे हैं। हमारा तो कहना यही है कि जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो कानून बनाया था कृषि कानून, वो कानून के बारे में किसी को भी आपत्ति नहीं थी। उस कानून को रद्द करके इन्होंने जो ये काला कानून लेके आए, जो पांच नए कानून जो बनाए इन्होंने, तो उससे देश का जो किसान है वो तिल मिला गया। अब वो पैदावारी करे या वो क्या करे, आत्महत्या करे या रोड पे मरने के लिए बैठ जाए, देखिए हमें बड़े दुख होता है उस चीज के बारे में। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, हमारी भी जमीन है पंजाब में। हम जानते हैं कि किसानों के ऊपर जब ऐसी ठंड के अंदर बरसात की पानी की बौछारें की जाती है, उनको डंडे से मारा जाता है, ये इंसानियत का रूप नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सोए हुए, उनको किसी की भी तकलीफ के पता नहीं है। क्या जहां से वो चुन के जाते क्या वहां किसान वोट नहीं देते उनको? किसानों ने ही वोट दिया है और किसान ने ही बीजेपी को लेके आए सत्ता में, लेकिन आज किसान को मजबूर कर दिया गया आत्महत्या करने के लिए। ना रोजगार है, ना पैदावारी है और ना ही खेत में अनाज पैदा करने के लिए कोई सुविधा बनाई गई है, कुछ नहीं। पंजाब की आपने की बात की है, पंजाब के किसान भी रास्ते पर उतरे थे, बड़ी संख्या में नजर आए थे, दिल्ली तक पहुंचे थे। ऐसे में मुंबई घाटकों पर की बात करें तो आप भी रास्ते पर उतरे थे कांग्रेस पार्टी के माध्यम से। कौन कौन लोग शामिल हुए थे आपके आंदोलन में? हमारे आंदोलन में घाटकों पर के माजी आमदार वीरेंद्र बख्शी जी साथ में थे, हमारे 130 के ब्लॉक अध्यक्ष अपने दयानंद जगताप जी थे, केतन शाह जी थे जो हमारे ICC के मेंबर्स हैं, और वहाँ के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष थे रामजी शुक्ला जी। ऐसे हमारे महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रीना पाटिल थी, मैं खुद मौजूद था वहाँ पे। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से हम लोगों ने एक किसान रैली वहाँ पे किया था, आंदोलन किया था, और हमारा आंदोलन वहाँ पे शांतिपूर्वक रहा। इसके लिए हमने लोगों से एक ही रिक्वेस्ट की है और ये कहा है कि जो भी आंदोलन हो वो शांतिपूर्वक हो, हमें सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचानी है कि हम भूखे हैं, हमें रोटी दीजिए। ये कानून जिस तरीके से आपने बनाया, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं उसमें, हमारे बच्चों की लिखाई पढ़ाई नहीं होती है, हमें सही मूल्य नहीं मिलता, हम पैदावारी करते हैं, हमारा अनाज को पानी के रास्ते में डाल दिया जाता है, तो सरकार से हमारी यही लड़ाई है और कुछ नहीं। तो हमसे चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष 131 के विधि। 8 दिसंबर के दिन भारत बंद में किसानों का साथ दिया था, घाटकों पर में नजर आए थे, बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके साथ में मौजूद थे। क्या कहना चाहेंगे सर, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो पहले जो कांग्रेस पार्टी मुंबई शहर के अंदर नजर आती थी, आज कहीं ना कहीं गुम सी नजर आती है। पहले जो झुंझारू पदाधिकारी होते थे, कार्यकर्ता होते थे, आज वो नजर नहीं आता पार्टी में। देखिए, सबसे बड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम खुद और हमारे वर्कर्स
जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, एमएलए हैं, नगर सेवक हैं और जितने भी ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, सारे लोग अभी ऊपर से हमें ऐसा आदेश है कि अब जब तक ये कोरोना काल का मेडिसिन नहीं आ जाता तब तक आपको बाहरी शंका में रोड पे नहीं उतरना है। लेकिन सारी सबसे बड़ी मुश्किल क्या आ गई कि सबसे अपने जान को, अब देखो जान है तो जहान है, अगर जान है इंसान की तो उसको जिंदा रहेगा तो उतरेगा, जब तक मेडिसिन नहीं आती तब तक हर एक इंसान को यही कहा गया कि जोर शोर से आंदोलन का रूप रेशा जो है वो नहीं ली जाए और जोर शोर से काम करना है तो ये मेडिसिन आने के बाद जो कोरोना में लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारे भी कई कार्यकर्ता हैं, उनको भी हम आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि जो कोरोना में उनकी मौत हो गई है और वो भी बेचारे अपने भगवान को प्यारे हो गए, इसके लिए कांग्रेस पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और आगे भी मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतंत्र के साथ है, लोगों के साथ है, जब जब इस देश में अत्याचार होगा कांग्रेस पार्टी उसका मुकाबला करेगी। कांग्रेस पार्टी की आपने बात की है, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार है, राष्ट्रवादी शिवसेना की अगर बात करें तो इन पार्टियों में एकनाथ खड़से की बात कर सकते हैं हम, राष्ट्रवादी पार्टी में हाल ही में वो शामिल हुए हैं, उर्मिला मातोंडकर की बात कर सकते हैं शिवसेना पार्टी में हाल ही में वो भी कांग्रेस से शामिल हुई हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं विफल दिखती नजर आती है, इस पर आपका क्या कहना है? विफल देखिए, पहली बात तो एक है कि हर एक ये लोकतंत्र है, हर एक इंसान को अपना अपना निर्णय लेने का अधिकार है, हम जाते हुए को पकड़ नहीं सकते कि नहीं तेरे को हमारे पास ही रहना, वो अपना अपना लोकतंत्र है, अपने अपने विचारधारा है, पार्टी की अगर विचारधारा है तो वो पार्टी के माध्यम से ही रहेगा, पार्टी के अगर विचारधारा का उसको नहीं पता है, वो नहीं रहना चाहता तो जबरदस्ती तो उसके लिए करेगी नहीं पार्टी, यही कहेगी। क्या लगता है आने वाले दिनों में कोई ऐसे बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में भी शामिल होने की उम्मीदें हैं? बिल्कुल, जब हमारे कहते हैं कि आज पार्टी को कुछ लोगों ने बदनाम किया हुआ है, लोग जब चाहते हैं कि हाँ हम, जब पार्टी की लहर चलेगी, पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके अपने कैंडिडेट को चुन के लाएंगे, उस टाइम पे ऑटोमेटिक बोलते हैं ना कि जब समंदर का पानी सूखने लगता है तो मछली तड़फड़ाने लगती है, जब समंदर में पानी दोबारा से आएगा तो मछली भी लहर से आएगी। ब्लॉक अध्यक्ष आप 131 के, ऐसे में आपके माध्यम से ब्लॉक में क्या अहम काम किए जाते हैं? ब्लॉक में हम रास्ते को देखते हैं, ब्लॉक में पानी की समस्या होती है उसको देखते हैं, हमारे जो रोड होते हैं उनमें खड्डे होते हैं उसको देखते हैं, गरीब आदमी है जिसके पास कुछ नहीं होता उसके दवाई वगैरह या उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाना, ये सारे काम हम अपने माध्यम से करते हैं। तो हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के घाटकोपर के ब्लॉक अध्यक्ष हैं 131 के, हमसे चर्चा कर रहे हैं किसानों के जो अहम मुद्दे हैं उस पर चर्चा चल रही है और कई अहम बातें से कर रहे हैं। चलते चलते जो लोग आपको चाहते हैं, जो आपकी बातों पर अमल करते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम ये एक ही बात कहेंगे कि हम जो हमारे साथ हैं, हमारे साथी हैं, हम उनके लिए रात दिन एक करके उनके साथ रहेंगे, उनकी कोई भी तकलीफ होगी उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो हमारे साथ में खास मुलाकात में आज चर्चा कर रहे थे विदेश बात, तो खास मुलाकात में आज इतना ही, दीजिए इजाजत फिर किसी शख्सियत के साथ, अन्य मुद्दे पर फिर किसी दिन मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।